कितने समय से दुकान आपकी? दुकान हो गई 30 साल। 30 साल की दुकान हो गई इस इलाके में। पहले हमारे हो गए आज 46 साल है। 46? अच्छा, 46 साल हो गए। इस इलाके में पहले कभी कोई इस प्रकार की घटना हुई? आज तक नहीं हुई है, एक बार भी नहीं हुई आज तक। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ? उनके हाथ में जो है वो तलवारें वगैरह थी, ऐसा कुछ था या नहीं? तलवारें थी बिल्कुल। बड़ी बिल्ली सबने देखा है। कितने लोगों के पास में तलवारें रही होंगे? मेरी निगाह जाएगी, जैसे दुकानदारी करते हैं, 8-10 लोगों के हाथ में थी, देखी मैंने। 8-10 लोगों के हाथ में तलवारें थी। तलवारें शांति से वो लोग चल रहे थे या फिर घुमाते हुए? कुछ जो है वो घुमा भी रहे थे, कुछ शांति से भी चल रहे थे। हर तरह का आदमी भीड़ में होता ही है। और यहाँ पर दोनों समुदाय के बीच में कुछ हिंदू मुस्लिम का कुछ भी कभी बात रही? आज तक कभी इशू नहीं हुआ। सब साथ मिल के रहते हैं। आमने सामने वो सामने मम्मी दुकान है, उसने चाय मंगा ली आदि मुझे भेज देता है, मैंने मंगा ली आदि उसको भेज देते हैं। अच्छा, वह चलता रहता। आपस में चाय बट करके पीती है। ये आपको लग रहा है कि कल जो हुआ वो उसमें कोई मनसा ही जो है वो ठीक नहीं थी या फिर कोई अचानक से हो गया? कोई भारी ताकतों का हिसाब किताब लगता है। बाकी जो रैली गई वो भी आराम से गई है, वो भी कोई अलग अलग कुछ शोर शराबा नहीं। अब बाहर से कौन सा आदमी बीच में आके कुछ कर दिया तो किसी को पता ही नहीं है। तो पुलिस इंक्वायरी कर रही है कि क्या हुआ क्या नहीं। आपको भी लग रहा है कि ये कोई बाहर के लोग थे या कौन थे, उनकी मनसा थी जबरदस्ती ये चीज़ें प्लान की गई? बिल्कुल, जहाँ जो रैली निकाल रहे हैं, जो रैलियों के अंदर थे, वहाँ भी सारे मोमेंट रहते हैं, सब उनको जानते हैं, उनको जानते हैं। ये आप सालों से यहाँ रह रहे हैं? रह रहा हूँ। तो यहाँ पे कभी इस तरह का माहौल कभी आज तक जिंदगी में नहीं हुआ? यहाँ प्यार मोहब्बत में सारे रह रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा झगड़ा नहीं, कभी किसी से उड़ोड़ कभी कभी कुछ नहीं हुआ यहाँ। दिल्ली है, दिल्ली में लोग काम में मशगूल रहते हैं। हाँ। पूरा काम में लगे रहते हैं। हाँ। ये फिर ये हालात कैसे हो गए? अब ये देखो जी, अब आगे जाके क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ बाहर के लोग आए, कुछ ऐसे कुछ कर जाए तो कुछ कह नहीं सकते। बाहर के लोगों ने उठ? हाँ, बाहर के वाले हैं, यहाँ का तो कोई नहीं था। अच्छा, जो यहाँ से जो यात्रा निकल रही थी तो यात्रा जो लेकर के लोग जा रहे थे, तलवारें वगैरह थी उनके हाथ में? हाँ, तलवार थी। कितने लोगों के हाथ में? अब ये तो गिनती हमने नहीं करी। तकरीबन वैसे मोटा मोटी 10-12 लोग, 5-7 लोग, 10-20-50 नहीं हो, 50 हो, कितने भी हो, हमने कभी तलवारें गिनी सुनी हमने। अच्छा, तलवा देती याद। अच्छा, हाँ तलवा देती थी जब तो बैग को गए थे, जब तलवा देती। क्या लग रहा है कि ये अचानक हो गया या मनसा कुछ लग रही थी? नहीं नहीं नहीं, अचानक हुआ कोई ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं। आज तक इतने झगड़े हुए हैं, कभी आज तक कभी ऐसी बात हुई नहीं यहाँ। पहले कितने भी कहीं दंगे हुए, पर यहाँ जहांगीरपुर में कभी नहीं दंगे हो गया। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दिल्ली में जहांगीरपुरी के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर कल शाम को 5:30-6 बजे के आसपास यहां पर जो हालात बने उसके बाद में अभी हालात कैसे हैं और ख़ास करके जो अलग दोनों समुदाय के लोग हैं वो आपस में यहाँ पर किस तरह से रहते हैं और यहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो इस घटना को किस तरह से देखते हैं ये आप टटोलने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए पवन मेडिकल्स, तो पवन मेडिकल स्टोर है यहाँ पर, ये एक इनसी दुकान है, ये बात करेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देविंदर कुमार। देविंदर कुमार, राजू, राजू बोलते हैं। तो ये कल घटना हुई उस वक्त थे आप यहीं पे दुकान? दुकान खुली हुई थी, फिर एकदम भगदड़ से मच गई, फिर एकदम फटाफट सारी पूरी मार्केट बंद हो गई। तो किधर से कौन लोग आ रहे थे, क्या बात हो रही थी? लोग तो कोई नहीं इधर आए। अच्छा, वैसे ही हल्ला गुल्ला हो गया, शोर शराबा, सबने मार्केट सब बंद कर दी। तो जो यात्रा निकल रही थी वो किधर से निकल रही थी? यहाँ से उधर गई है, इधर की तरफ से आ रही थी। आपकी इधर गली में से निकली है, तो कितने लोग थे उसमें? काफी लोग थे, बहुत बड़ी थी, यहाँ कुछ बात ऐसी हुई नहीं, वहाँ क्या हुआ पता नहीं फिर वो। अच्छा, तो जो यात्रा निकल रही थी उसमें आगे पुलिस थी? नहीं थी, नहीं पुलिस नहीं थी, पुलिस नहीं थी। जो लोग थे उसमें यात्रा के अंदर वो किस तरह से थे, क्या गाने बज रहे थे, नहीं बज रहे थे, क्या हो रहा था? डीजे भी नहीं था यहाँ, तो डीजे भी वहीं आया, यहाँ नहीं था। अच्छा, डीजे भी आगे मस्जिद के सामने आया? नहीं, यहाँ नहीं था। यही रोड जो है वो आगे जाता है और इसी रोड पर करीब 100 मीटर लगा लीजिए, 100 मीटर दूर में जो है पहले मंदिर है, उसके बाद में मस्जिद है। तो ये यहाँ पर कोई जो है, आप कह रहे कि डीजे नहीं था, कोई गाने इस प्रकार के कुछ नहीं था, यहाँ पे आराम से निकल जाते? यहाँ आराम जा रहे थे सर, जय श्री राम नारे लग रहे थे। अच्छा, नारे लग रहे थे जय श्री राम के। कोई आपत्ति थी उस पे? कोई नहीं, सब आराम से सब खड़े थे, कोई नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था उस टाइम। तो ये हमें बताया गया, हम लोगों से बात कर रहे हैं, जैसे कि सुबह भी 2 बार निकली, ये रात को जो 3री बार आई है? 2 बार निकली है, निकली क्या है कि 2-3
उसमें पार्ट में थी, आई थी, आगे चले गए वहाँ, फिर वापिस आ गए, फिर उनको साथ दिए, फिर आगे चले गए, फिर ऐसे हो गया। उसमें सारे साथ नहीं हुए तो चलो सब साथ मिलके चलेंगे, इसलिए पीछे आ गए होंगे वो। अच्छा, बाकी यहाँ को नंगवा कुछ नहीं था यहाँ पर। अच्छा, आप तो तजुर्बेकार आदमी हैं, काफ़ी समय, कितने समय से दुकान आपकी है? दुकान हो गई 30 साल। 30 साल की दुकान हो गई इस इलाके में। पहले तो हमारे हो गए आज 46 साल है, 46। अच्छा, 46 साल हो गए। इस इलाके में पहले कभी कोई इस प्रकार की घटना हुई? आज तक नहीं हुई है, एक बार भी नहीं हुई आज तक, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर दोनों समुदाय के बीच में कुछ हिंदू मुस्लिम का कुछ भी कभी बात रही? आज तक कभी इशू नहीं हुआ, कभी इशू नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। सब साथ मिल के रहते हैं, आमने सामने, वो सामने मम्मी दुकान है, उसने चाय मंगा ली आधी, मुझे भेज देता है, मैंने मंगा ली आधी, उसको भेज देते हैं। अच्छा, तो चलता रहता है, आपस में चाय बट करके पीती है। बिल्कुल। ये आपको लग रहा है कि कल जो हुआ वो उसमें कोई मनसा ही जो है वो ठीक नहीं थी, या फिर कोई अचानक से हो गया? कोई भारी ताकतों का हिसाब किताब लगता है। बाकी जो रैली गई वो भी आराम से गई है, वो भी कोई अलग अलग कोई शोर शराबा नहीं। अब बाहर से कौन सा आदमी बीच में आके कुछ कर दिया तो किसी को पता ही नहीं है। अब पुलिस इंक्वायरी कर रही है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको भी लग रहा है कि ये कोई बाहर के लोग थे या कौन थे, उनकी मनसा थी, जबरदस्ती ये चीज़ें प्लान की गई? बिल्कुल, जहाँ जो रैली निकाल रहे हैं, जो रैलियों के अंदर थे, वहाँ भी सारे मोमडन रहते हैं, सब उनको जानते हैं, उनको जानते हैं। अब हम जो ये रैली में जाएंगे तो हम यहाँ सब जानते हैं। तो जो रैली निकल रही थी तो उसमें यहाँ के लोग थे? यहीं के, बाहर कहाँ के होंगे, यहीं के थे सारे। कोई डी ब्लॉक का था, कोई सी ब्लॉक का, कोई के ब्लॉक का, कोई बलसवा का, सब यहीं के थे, बाहर का क्या। अच्छा, तो कई लोग कह रहे हैं कि रैली में कुछ लोग जो आ रहे थे उनके हाथ में जो है वो तलवारें वगैरह थी, ऐसा कुछ था या नहीं? तलवारें थी, तलवारें थी, थी थी, बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल, सबने देखा, सबने देखा है। कितने लोगों के पास में तलवारें रही होंगी? होंगे मेरी निगाह से कि जिसमें दुकानदारी करते देंगे, 8-10 लोगों के हाथ में थी, देखी मैंने, 8-10 लोगों के हाथ में तलवारें थी। तो तलवारें शांति से वो लोग चल रहे थे या फिर घुमाते हुए कुछ जो है वो घुमा भी रहे थे, कुछ शांति से भी चल रहे थे, हर तरह का आदमी भीड़ में होता ही है। और रैली में आपसे बड़ी उम्र के लोग थे या तकरीबन सभी छोटी उम्र के ही लोग? मतलब मेरे से सब छोटी उम्र के थे, बड़ी के नहीं थे, सारे यंग लड़के थे। तो वैसे आम तौर पर जब कभी इस तरह से यात्रा निकलती है तो जितनी मेरे को नॉलेज है सभी उम्र के लोग होते हैं? होते हैं, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा ओल्ड एज दिखा नहीं, सारे यंग थे सारे। ये भी अपने आप में एक सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? सारे यंग थे, यंग है ना, सवाल तो है ना ये कि छोटी उम्र के ही लोग कैसे थे? हाँ, जैसे आप जिस उम्र के हैं, हाँ, 20 साल 25 साल ऐसे, 30 साल ऐसे थे सारे के सारे। नहीं तो अनमूनन हमने यही देखा है कि कोई यात्रा निकल रही तो उसमें बड़े व्यक्ति भी होते हैं, आप जैसे भी लोग होते हैं, समझदार लोग भी होते हैं, कभी मतलब किसी बुजुर्ग को देखा नहीं, आगे भी जैसे तो सारे सारे यंग थे सारे। हम उनके हाथ में कुछ नहीं था, वो खाली हाथ थे, उनके हाथ में कुछ नहीं, जो आगे आ गए थे उनके हाथ कुछ नहीं था, वो खाली थे। किसके हाथ में था? जो बीच में थे, छोटी उम्र के पतले पतले लड़के से, बस ऐसे ही उनमें थे। बाकी आगे जो है सारे सिंपल आदमी, वो सीधे सारे आदमी जो आराम तरीके से जा रहे थे, वो अच्छा, वो तो नारे भी लगा रहे थे। मैं वो तो एक बात पूछना चाहूँगा, आपको लग रहा है कि उधर से भी जब वो माहौल गर्म हुआ तो क्या इधर से भी लोग निकल करके गए, यहाँ के भी लोगों ने जो? देखो, उधर का मुझे पता ही नहीं, मैं वहाँ था ही नहीं। हाँ, मैं दूर था, यहाँ किसी ने आपत्ति नहीं की? यहाँ किसी ने नहीं करी। ठीक है, दो तीन चीज़ें जो है वो यहाँ पर निकल करके सामने आई है कि कुछ लोग जो है तलवार लेकर के चल रहे थे। दो बार जब यात्रा निकली तो कुछ नहीं हुआ, शांति से निकली, और जो यात्रा निकल रही थी उसमें कम उम्र के लोग थे, और ये भी जो है अपने आप में एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये कि जो दिन में निकल गई थी यात्रा तो वो शांति के साथ में निकली, शाम के समय पर आखिरकार क्या था? भाई साहब यहाँ पर जो है करीब 30 साल से रह रहे हैं, कह रहे हैं कि चाय बांट करके जो पीते हैं। 46 साल से रह रहे, चाय जो है वो आपस में बट करके पी जाती है। देखिए एक दुकान और है, और ये भी जो है वो हिंदू भाई की ही दुकान है, इनसे भी पूछते हैं कि क्या नाम है आपका? विजय मेहता। अपनी ये दुकान है? हाँ जी। कब से है आपकी दुकान? सन 85 से। 85 से है। तो क्या हुआ था कल, आप खुली थी दुकान? हाँ, खुली थी दुकान। क्या रहा था थोड़ा बताइए। नहीं, बिल्कुल शांत वातावरण में गया था यहाँ से तो। हाँ। आगे जाके शाम के एक बार तो निकल गया था दोपहर को। हाँ। पर शाम को जब आए उसके बाद क्या हुआ, उधर चौक पे आगे हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। कौन लोग थे यहाँ से निकल रहे थे तब, कैसे निकल रहे थे? बिल्कुल सही निकल रहे थे। अच्छा। आगे जाके कुछ हुआ जो ये नहीं पता क्या हुआ वहाँ पे। यहाँ से डीजे विजे था या नहीं? हाँ, डीजे था।
डीजे था, डीजे था। किस प्रकार के गाने वाने क्या चल रहा था? नहीं शाम को मैं उस टाइम मैं यहाँ नहीं था उस टाइम। अच्छा, उस टाइम बेटा था मेरा। नहीं मतलब आप शाम को तो डीजे आप यहाँ के दुकानदार हैं, जो बातें आप बताना चाहें वो बताइए, जो बातें आपको लगे कि नहीं मैं उन पर नहीं बोल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये आप सालों से यहाँ रह रहे हैं? हाँ, सन 85 रह रहा हूँ। तो यहाँ पे कभी इस तरह का माहौल कभी आज तक जिंदगी में नहीं हुआ? यहाँ प्यार मोहब्बत में सारे रह रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा झगड़ा नहीं, कभी किसी से उड़ोड़ से, कभी कभी कुछ नहीं हुआ यहाँ। दिल्ली है, दिल्ली में लोग काम में मशगूल रहते हैं। हाँ, पूरा काम में लगे रहते हैं। हाँ, ये फिर ये हालात कैसे हो गए? अब ये देखो ये आगे जाके क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ बाहर के लोग आए कुछ ऐसे कुछ कर जाए तो कुछ कह नहीं सकते। बाहर के लोगों ने उठ, हाँ बाहर के वाले हैं, यहाँ का तो कोई नहीं था। अच्छा, जो यहाँ से जो यात्रा निकल रही थी तो यात्रा जो लेकर के लोग जा रहे थे, तलवारें वगैरह थी उनके हाथ में? हाँ, तलवार थी। कितने लोगों के हाथ में तलवार? अब ये तो गिनती हमने नहीं करी। तकरीबन वैसे मोटा मोटी एक अंदाजन 10-12 लोग, 5-7 लोग, 10-20, 50 नहीं हो, 50 हो, कितने भी हो, हमने कभी तलवारें गिनी सुनी हमने। अच्छा, तलवारें थी हाथ में? अच्छा, हाँ तलवारें तो थी जब तो ब्याह को गए थे, जब तलवारें थी। क्या लग रहा है कि ये अचानक हो गया या मनसा कुछ लग रही थी? नहीं नहीं नहीं, अचानक हुआ कोई ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं। आज तक इतने झगड़े हुए हैं, कभी आज तक कभी ऐसी बात हुई नहीं। यहाँ पहले कितने भी कहीं दंगे हुए, पर यहाँ जाएंगे तो मैं कभी नहीं दंगे हो गया। नहीं, मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि राजस्थान में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, यूपी में देखें, कई जगह पर घटनाएं हुई, पर यहाँ नहीं हुई, जाएंगे नहीं हुई। लेकिन क्या आपके मन में था कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं, आप लोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई अंदाजा नहीं था, ऐसा कोई अंदाजा नहीं, ऐसा कोई अंदाजा नहीं था। अभी लग रहा है ये जो घटना हुई है ये बीत जाएगी, आप लोगों के बीच में से प्यार मोहब्बत बना रहे? हाँ हाँ, प्यार मोहब्बत बना रहे, ऐसी कोई बात। देखिए कोशिश एक यही थी कि यहाँ पर जो दुकानें हैं जिनकी, और दोनों समुदाय के लोगों से जो है यहाँ पर जो बात हो जाए, ताकि एक जो चीज़ें हैं उसको समझने में आसानी रहे। कई सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से निकल करके सामने आई है, और यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं जिनसे हमने बात की उन्होंने बात रखी भी है। कई सारी चीज़ें हैं जो अभी सवालों के घेरे में हैं, और यही इसी तरह से अगर आप ग्राउंड पर लोगों से बात करेंगे, गलियों में जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे चीज़ें जो है वो निकल करके सामने आती है, फिर वही चीज़ें जो है वो तस्वीर को साफ करती हैं। तो बहरहाल इसी तरह से यहाँ पर इलाके में बात कर रहे हैं लोग, क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से वो घटना हुई, कैसे हुई, किसकी क्या मंशा थी, कौन क्या करना चाह रहा था, और लोग अभी भी आधी चाय जो बांट करके पहले पीते थे क्या उसी तरह से आगे भी पीते रहेंगे, बड़ा सवाल यही। तो बहरहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ एजेंडा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।